खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां एक घर में पानी की टंकी से 3 दिन से लापता 5 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो मामला है, इसको आप देखिए, यहाँ पर जो मासूम थी उसके साथ दरिंदगी की कहानी यहाँ पर सामने आई है। और इस 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और यही नहीं, उसके शव को पानी की टंकी में डाल दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अतुल नहाल ने अपना जुर्म कबूल लिया है और उसकी गिरफ्तारी भोपाल रेलवे स्टेशन से की गई है, जब वो वहाँ से फरार होने की कोशिश में था। पांच थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, 1000 फ्लैटों की तलाशी। 72 घंटे बीतने के बाद 5 साल की मासूम को ढूंढ पाई पुलिस, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। उसी बिल्डिंग से जहां वो रहती थी। जो घटना हुई है वो किराए का फ्लैट लेकर यहां पर रह रहा था अपने माता और पिता के साथ, और उसी में ताला लगा हुआ था। दरअसल फ्लैट अंदर से खुला था, लेकिन जो मेन एंट्रेंस गेट है उस पर ताला लगा हुआ था। तो 2 फ्लैट कनेक्टेड थे आपस में, जिसके अंदर शव बरामद हुआ है। फिर पुलिस पहुंची थी मृतक बच्ची के यहाँ, तो पुलिस के अधिकारियों को गंध आई, और उसी गंध के आधार पर जो है पुलिस के अधिकारियों को संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास गंध क्यों आ रही है, तो जो आरोप जो जिसके घर से बरामद हुआ है बच्ची का शव, उस महिला ने कहा या तो चूहा मर गया है या कुछ और होगा, इस लिहाज से गंध आ रही है। लेकिन शव उसी घर में से मिला, और पुलिस जब घर की तलाश शुरू की, पानी की टंकी को देखा, तो उसमें बच्ची बरामद हुई। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन तक खोलकर तलाशी हुई। नाराज लोग अब पूछ रहे हैं, पुलिस बच्ची के घर के सामने वाले बंद फ्लैट को खोलकर देखने से क्यों चूक गई? क्या हुआ था, क्या बच्ची का कहां क्या मिला, क्या रहा? सर, घर के सामने वाले घर में, सामने वाली घर के जस्ट सामने है, टंकी के अंदर, जो पानी के ऊपर टंकी रखी रहती, टंकी के अंदर बच्ची को डाल दिया। कौन युवक थे? यही रहती है, बल्टी में चंचल नाम है उसका और उसकी माँ, दोनों ने मिलके। पुलिस कह रही है वो तंत्र मंत्र, आपसी रंजिश से लेकर यौन उत्पीड़न जैसे हर पहलू की जांच कर रही है। बॉडी तो सस्पेक्टेड कंडीशन में ही मिली है, तो ऑब्वियसली मर्डर की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैम, ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि तंत्र विद्या से कभी एक एंगल निकाला जा रहा है, रिवेंज का तो सामने आ ही जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो ये पूछताछ के बाद ही सब क्लियर होगा कि ये कौन सा एंगल था। उधर नाराज लोगों ने भोपाल की सड़कों पर चक्का जाम कर दिया, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। मोहन यादव, इस बच्ची को लेके कहाँ जाएं, इसके शव को लेके कहाँ जाएं? तुम्हारे बंगले आए, और वो कलेक्टर साहब कहाँ हैं जो बेरसिया में खड़े होके चिल्ला रहे थे कि जो आप कहोगे सब हो जाएगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहेंगे सब हो जाएगा। आज भोपाल की जनता आह्वान कर रही है कि ये एससी की बच्ची है, इसके साथ हुआ, 5 बच्चियों के साथ हुआ, कहाँ है कलेक्टर एसपी? अब मिलने नहीं आना चाह रहा, यहाँ पे मुंह छुपा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। भोपाल की सड़कों पर इस नाराजगी की वजह भी है। 17 सितंबर को भोपाल के नामी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, आरोपी स्कूल का आईटी टीचर है। शनिवार को भोपाल में 5 साल की मासूम ने वैन में बैड टच का आरोप लगाया। उसी दिन भोपाल में एक बड़े प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने 10वीं के छात्र को परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर 1 साल तक यौन शोषण किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए। शिकायत हुई तो पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रविवार को टीकमगढ़ जिले में 7 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में केंद्रीय मंत्री के सांसद प्रतिनिधि पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ, हालांकि ये मामला किसी स्कूल से जुड़ा नहीं था। साल 2022 में जारी NCERB के आंकड़ों के मुताबिक
पॉक्सो से संबंधित धाराओं में मध्य प्रदेश में 5,951 मामले दर्ज हुए, इनमें 3,653 मामले बलात्कार किए थे। नाबालिगों के साथ बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। राजधानी भोपाल में मासूमों के साथ होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर पिछले 72 घंटे से गायब चल रही मासूम 5 साल की एक बच्ची का शव जो है वो वाजपेयी नगर मल्टी में बरामद हुआ। पिछले 72 घंटे से भोपाल पुलिस इस बच्ची की तलाश कर रही थी। ड्रोन से लेकर साइबर एक्सपर्ट से लेकर मल्टी की कई घरों में तलाशी की गई, वॉशिंग मशीन खोल खोल कर देखी गई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। बच्ची का शव पानी की टंकी में घर के बगल से ही बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में हर पहलू की जांच के लिए भोपाल में SIT टीम का गठन किया गया है। इस SIT में भोपाल पुलिस के 6 अधिकारी होंगे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हर पहलू से पर्दा उठाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, NDTV।